फ्रेंड्स हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका। लॉकडाउन में लापरवाही मत कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। आज समय है आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग सीखने का, आपदा को अवसर में बदलिए दोस्तों, अपने आप को आप अच्छा बनाइए। आज मैं देख रहा हूँ कि ये जो पब्लिक स्पीकिंग के चैनल हैं बहुत कम लोग देख रहे हैं। वो लोग जो है उनको लगता है कि जब जरूरत होगी तब चैनल को खोल लेंगे। मान लीजिए आपको कल जरूरत है, आज आप क्या सीख पाएंगे एक दिन में। आज आपके पास समय है, ये समय मिला है, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें सीखिए, अच्छी अच्छी शायरी सीखिए और जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विदाई शायरी, बहुत ही जबरदस्त, किसी भी माहौल में किसी भी कार्यक्रम में बोल सकते हैं विदाई के, कि जुबां पर अक्सर तेरा नाम आएगा, तेरे साथ बीता हर पल याद आएगा। जुबां पर अक्सर तेरा नाम आएगा, तेरे साथ बीता हर पल याद आएगा, तेरे दिल की बस्ती से होकर गुजरा हूँ, शायद ही जिंदगी में तुझसा दिलशाद आएगा। तो आज आप हमसे विदा हो रहे हैं, कोई मित्र विदा होता हो, चाहे कोई आपका रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी विदा होता हो, बेशक कोई विदा होता हो स्कूल का स्टूडेंट, आप जो है ऐसा बोल सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ कि जाना पहचाना चेहरा अनजाना हो जाता है, पलों में ही रिश्ता जैसे पुराना हो जाता है। जाना पहचाना चेहरा अनजाना हो जाता है, पलों में ही रिश्ता जैसे पुराना हो जाता है। मिलना बिछुड़ना तो दुनिया की रीत है दोस्तों, एक वक्त के बाद तो देश भी बेगाना हो जाता है। तो हमें बेगाना नहीं होना है, हमें हमेशा याद रखना है और ऐसा दिलचस्प जिंदगी में मिलता रहे। ये विदाई शायरी मैं बार बार कहूंगा दोस्तों, शायरी लोगों कहते हैं कि बहुत अच्छी शायरी, आपकी शायरी की बजाय बोलने वाले की प्रैक्टिस होती है। बोलने वाला बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस करके जब सिंपल सी दो पंक्तियां बोलता है, साधारण सी दो पंक्तियां बोलता है तो भी लोगों की क्लैपिंग होती है, क्योंकि उसके बोलने के लहजे में वो दम है। लहजा बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एक एक शायरी की 50-50 बार प्रैक्टिस कीजिए कि चमकते आकाश के चमकते आफ्ताब रहना, आफ्ताब होना है, होता है सूरज, आकाश के चमकते आफ्ताब रहना, आने वाले कल की बुलंद आवाज रहना, जुदाई के इन पलों में बस यही दुआ है, जहां भी रहना तू आबाद रहना। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे रहनुमा, तुम आबाद रहना, यही दुआ है। जिंदगी में आपको हजारों खुशियां मिले और इसी तरह से आप अपनी जिंदगी में सक्सेस की ओर जाते रहें और कामयाबी का नया सफर आपके लिए हो, जिंदगी एक नए रूप में आपको मिले कि सफलता का नया सफर होगा, कौन जाने कल किधर होगा। सफलता का नया सफर होगा, कौन जाने कल किधर होगा, अपने इरादों में जान भरते रहना, इम्तिहान भरा तेरा हर कदम होगा। तो अपने इरादों में जान रखना और अपने इरादे मजबूत रखना। और मित्रों, मैं आपको एक बात ये भी बीच में कहूँगा कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि हम इसके लिए काम नहीं करते। दुनिया का कोई भी काम आप शुरुआत में करके देख लो, हर काम मुश्किल है। लोग कहते हैं कि यार पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत मुश्किल है। देखो, कोई भी कार्य है, आप मेरे को कहेंगे कि आपके लिए तो आसान है, तो मेरा काम है ये, आप कोई भी काम करेंगे, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग जरूरी सभी के लिए है, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। तो शुरुआत में कोई भी चीज़ मुश्किल होती है, इसलिए आप एक बार मैदान में कदम रखिए और पूरी हिम्मत के साथ जुट जाइए कि तुझसे बिछड़ने का गहरा एहसास है, मेरी जिंदगी में तू बहुत खास है। तुझसे बिछड़ने का गहरा एहसास है, मेरी जिंदगी में तू बहुत खास है, शीतल चंदन सा रहे हरदम जीवन तुम्हारा, ईश्वर के आगे बस यही अरदास है। तो आपका जीवन इसी तरह से खिलता रहे और आप इसी तरह से सीखते रहिए इस चैनल से। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, मन संचालक बनना चाहते हैं, राजनीतिक लीडर बनना चाहते हैं, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन या ऑनलाइन आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका